नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का, दोस्तों यह वीडियो दूसरा है, पहला वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों, सोया बीन। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर दोस्तों, न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे छोटी रुद्रवाहिका क्या कहलाती है? सबसे छोटी रुधिरवाहिका क्या कहलाती है? तो इसका आंसर दोस्तों, कोशिका। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर दोस्तों, सूर्य से। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करती है, या बीज पैदा करती है, फल नहीं होता पर बीज होता है? तो इसका आंसर दोस्तों, साइकस। इसके बाद अगला प्रश्न है, शैवाल में किसकी बहुलता होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसका आंसर दोस्तों, क्लोरोफिल की। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, चमगादड़ किस जीव की श्रेणी में आता है? चमगादड़ किस जीव की श्रेणी में आता है? इसका आंसर दोस्तों, यह दोस्तों स्तनधारी में आता है, यानी कि दूध पिलाने वाले की श्रेणी में आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों, विटामिन B1 पाया जाता है, विटामिन B1। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन्स की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन्स की खोज किसने किया था, या किसने किया था? तो इसका आंसर दोस्तों, बेंटिंग्स एवं बेट्स ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण किस रूप में करते हैं? पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण किस रूप में करते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हृदय रोग का मुख्य कारण किस तत्व की कमी से होता है? हृदय रोग या हार्ट अटैक का रोग मुख्य होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेबीज नामक रोग किस जानवर के काटने से होता है? रेबीज नामक रोग किस जानवर के काटने से होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, कुत्ते के काटने से। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेबीज नामक रोग के इलाज की खोज किसने की थी? रेबीज नामक इलाज की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर दोस्तों, लुई पाश्चर ने की थी। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाद अगला प्रश्न है, हरी सब्जी में किस तत्व की प्रचुरता मात्रा होती है, या हरी सब्जी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, लोहा पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन रक्त समूह सर्वदाता होता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो इसका आंसर है, ओ पॉजिटिव। इसके बाद अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वार यानी डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसका आंसर दोस्तों, इंडीज मच्छर के काटने से। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर दोस्तों, मोनोकल्चर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का असर सबसे ज्यादा किस फसल पर पड़ा था? हरित क्रांति का असर सबसे ज्यादा किस फसल पर पड़ा था? तो इसका आंसर दोस्तों, गेहूं की फसल पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत रक्त कण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों, ल्यूकोसाइट के नाम से। इसके
बाद अगला प्रश्न है, सूक्ष्मतम कोशिका, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, सॉरी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका इसे कहते हैं माइकोप्लाज्मा को, माइक्रोप्लाज्मा को सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य तथा जंतुओं के आंत में पाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं? मनुष्य तथा जंतुओं के आंत में पाए जाने वाले शैवाल कौन सा है? तो इसका आंसर दोस्तों आसीटेटोरिया, आसीटेटोरिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चाय कॉफी की पत्ती पर पाए जाने वाला शैवाल कौन सा होता है? तो इसका आंसर दोस्तों सेफेलुरोस होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर दोस्तों सेल्यूलोज की। इसके बाद अगला प्रश्न है, शैवाल में भोज पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? शैवाल में भोज पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों स्टार्च के रूप में। इसके बाद अगला प्रश्न है, शैवाल में निषेचन के बाद क्या बनता है? शैवाल में निषेचन के बाद क्या होता है? तो इसका आंसर दोस्तों कोई भ्रूण नहीं बनता, कुछ भी नहीं होता। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान क्या होता है? मानव शरीर का तापमान होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला प्रश्न है, एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? एंजाइम का दूसरा नाम है दोस्तों प्रोटीन। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शहद में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? शहद में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नींबू का रस का पीएच मान क्या होता है? नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? तो इसका आंसर दोस्तों 2.4 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शहद में मुख्य अवयव कौन सा होता है या शहद में वो क्या पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पहले ही बता दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसके बाद अगला प्रश्न है, अफीम पौधे के किस अंग से बनाया जाता है? अफीम पौधे के किस अंग से बनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों फूलों से बनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्षय रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर दोस्तों फेफड़ों को करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का रक्त कैसा होता है? दोस्तों मनुष्य का रक्त होता है क्षारीय होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव प्रमुख होते हैं, तो कौन कौन से? दोस्तों इसका एक है जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक, एक जैविक दूसरा अजैविक घटक। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फ्लू रोग किस लिए उत्तरदायी वायरस है? वर्ल्ड फ्लू रोग के लिए उत्तरदायी वायरस होता है या कौन सा वायरस होता है? तो इसका वायरस का नाम है H5N1। इसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर की कौन सी ग्रंथि ताप को नियंत्रण करता है? शरीर की कौन सी ग्रंथि ताप को नियंत्रण करती है? तो इसका आंसर दोस्तों हाइपोटैलेमस करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। इसके बाद अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद अगला प्रश्न है,
जैव विकास का सिद्धांत किस सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों इसका आंसर है लेमार्क ने दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, टीकाकरण की खोज किसने की थी? टीकाकरण की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर है एडवर्ड जेनर ने की थी टीका की खोज। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न है, डिप्थेरिया रोग शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है? डिप्थेरिया रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों इसका आंसर है गला को। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त ऑक्सीजन से कहां ऑक्सीकृत होकर हीमोऑक्सीकृत होता है? मानव शरीर में रक्त ऑक्सीजन से कहां ऑक्सीकृत होकर हीमोऑक्सीकृत होता है? दोस्तों इसका आंसर है फेफड़ों से। इसके बाद अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला था, कब मिला था दोस्तों? इसके इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने जीन के पृथक्करण की खोज की थी, जीन पृथक्करण के कारण को नोबल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, मलेरिया नामक बीमारी शरीर के किस भाग को हानि पहुंचाती है? दोस्तों इसका आंसर है लाल रक्त कणिकाओं को, RBC को। इसके बाद अगला प्रश्न है, पालक साग में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों इसका नाम है विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूध का रंग सफेद क्यों होता है? इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है कैसीन के कारण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।